हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो भाई आज की क्लास में हम क्लास सिक्स की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 पूरी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसके पहले हम आपको बता देते हैं, इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, और सारी प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्न को सुमेलित कीजिए। हाँ, मतलब हमें मैच करना है। भाई सबसे पहले हमें क्या लिखा है, ऋजुकोण लिखा है। ऋजुकोण क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब कोई एक सीधी रेखा है उसके एक पॉइंट पे हमने एक कोण मान लिया, तो वो कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हमें बताना है कि ऋजुकोण जो है 1/4 घूर्णन से कम होता है, ठीक है, या 1/2 घूर्णन से अधिक होता है, या 1/2 घूर्णन होता है, या 1/4 घूर्णन होता है, या 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में होता है, ठीक है, या पूरा या संपूर्ण होता है। सबसे पहले तो हम बता देते हैं, जैसे कि ये क्या है, एक हमारा चतुर्थांश है, ठीक है, ये इस इतने घूमा है, हम यहां से खड़े हुए और यहां पे पहुंच गए, तो हम कितना घूमे, 1/4। 1/4 क्यों, टोटल हिस्से कितने हैं, चार हिस्से हैं, चार हिस्से में से एक हिस्सा चले, ठीक है। मान लो हम इतना दो हिस्से घूमे, ठीक है, दो हिस्से घूमे, तो हम दो हिस्से घूमे, टोटल हिस्से कितने थे, चार। इसको हम दो हिस्सों को क्या कहेंगे, काट देंगे, एक एक दो दूनी चार, तो 1/2 आ गया। मान लो हम यहां से चले तीन हिस्से घूमे, तो इसको क्या कहेंगे, 3/4 कहेंगे। अब चारों हिस्से घूम गए, चार हिस्से थे और टोटल चार हिस्से थे, कट जाएगा एक, मतलब ये पूरा हम पूरा घूम गए ना, इसलिए हम इसको एक बोलेंगे। तीन हिस्से घूमे, 3/4 बोलेंगे, दो हिस्से घूमे तो 1/2 बोलेंगे। तो अगर इसको हम आधा आधा बांटते तो ये दो हिस्सों में बट जाएगा, तो इसको ही हम क्या कह देंगे, 1/2 घूर्णन, ठीक है, इसको आधा घूर्णन कहेंगे, ठीक है। यहां से चले यहां तक आए तो आधा घूर्णन हुआ। ऐसे ही समकोण क्या होता है, समकोण ये एक जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। समकोण की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। समकोण 1/4 वाले हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 1/4 घूर्णन ये हमारा होगा। फिर है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है, जो 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गलत हमने लगा दिया सिंबल, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है, वो हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। जो 90 डिग्री से कम होते हैं, मतलब इस हिस्से में जितने भी कोण बनेंगे हमारे वो सारे न्यून कोण होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, 1/4 घूर्णन से कम, ठीक है। तो ये हमारा मिल जाएगा ए ऑप्शन से, ठीक है, ए ऑप्शन से मिल गया। फिर हम चौथा करेंगे, यहाँ पे लिखा है अधिक कोण। अधिक क्या, और अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, वो हमारे क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री को क्या कहते हैं, 1/4, और 1/2 कहते हैं इसको। तो ये हमारा किससे मिल गया, चौथा वाला हमारा ई से मिल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच। फिर होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जो क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण जो होता है 1/2 घूर्णन से ज्यादा, मतलब 3/4 वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से था, 3/4 वाला जो हिस्सा है वो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। मतलब 180 डिग्री से ज्यादा उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, या कह लो आधा घूर्णन से अधिक, ये होता है हमारा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजुकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत करें। जैसे कि हमको पता है 90 डिग्री क्या होता है, ठीक है, 90 डिग्री ये टोटल एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये 90 डिग्री के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये अगर 90 डिग्री के अंदर बना हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, ठीक है, ए वाला न्यून कोण हो गया। अब ये वाला 90 डिग्री हमारा इतना होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, और ये इतना हमारा, ये यहां तक हमारा 90 डिग्री हुआ और ये हमारा 180 डिग्री हुआ यहां तक, ठीक है। ये 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, हमने इसको लिख दिया अधिक कोण, ठीक है। अब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एंगल की बात कर रहे हैं। टोटली हमारा यहाँ पे इधर से आधा सीधा, इधर से ये बिल्कुल सीधा, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री का कोण जहां पे बनता है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण
समकोण कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से, इसमें कौन से कोण आ रहे हैं, एक तो ये 90 डिग्री का आ गया, साथ में थोड़ा और कोण आ गया, तो मतलब 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। 180 डिग्री से ज्यादा है, तो इस ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यहाँ पे इस कोण की बात की गई, एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण क्या होता है, रिज कोण होता है, या कह लो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे, रिजु कोण। हम यहाँ पे लिख देंगे रिजु कोण, ठीक है, ये हमारा रिज कोण हो गया। अब यहाँ पे दो एंगल की बात की गई है, एक ये, और दोनों ही हमारे अगर यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना दिया जाए, ठीक है, तो हम देखते हैं 90 डिग्री से दोनों ही कम है, 90 डिग्री से दोनों कम है, तो इनको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। बस हमारा क्वेश्चन जो है, पूरी एक्सरसाइज बस इतनी ही थी, समाप्त हो गई है। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हम अपने दोस्तों को हमारी वीडियोस को शेयर भी कर देना, साथ में हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।